आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। हम ये पहले भी कई दफा स्टडी करके आए हैं, यहाँ पे भी हमने इनको थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो बेसिकली जो केमिकल बॉन्ड्स हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन इज द आयोनिक बॉन्ड्स, सेकेंड आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स, एंड थर्ड वन इज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप अपनी प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करें तो इन सब के बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। अभी भी हम सिक्स चैप्टर में हैं तो हमने पिछले चैप्टर में भी इनके बारे में कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो हमें पता ही हैं, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अबाउट द लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट क्या था? ये बेसिकली इन जो से हमारे पास बॉन्ड्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए, ये साइंटिस्ट जो था लुईस, इसने सबसे पहले जो कंसेप्ट दिए थे बॉन्डिंग के, तो दैट इज़ द लुईस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम इन तीनों के तीनों जो उनसे बॉन्ड्स हैं उनको स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द लुईस कंसेप्ट। तो नंबर वन जो अब आता है हमारे पास, जो कि हमारा ये वाला टॉपिक है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड इन द लाइट ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। अब लुईस थ्योरी के मुताबिक जो है, आपके पास आयनिक बॉन्ड कब बनता है? लुईस थ्योरी जो कहती है वो कहती है कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर का मतलब क्या है कि एक बॉड जगह से दूसरी जगह कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाना, एक जगह छोड़ना और दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एटम फ्रॉम एन एटम विद लो आयनाइजेशन एनर्जी टू एन एटम विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब चूंकि ये आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस टॉपिक्स में ले आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ये समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। वो कहता है जी आयनिक बॉन्ड उस वक्त बनेगा जब इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं एक एटम से, एक ऐसे एटम से जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। कम एनर्जी देंगे, कम एनर्जी से लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो कम एनर्जी देने से ही इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो आसानी से निकलेगा, तो ऐसा एटम जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो उसका इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को हम जब ट्रांसफ़र कर देते हैं एक ऐसे एटम की तरफ जिसके पास एफिनिटी उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उस इलेक्ट्रॉन को लेने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा हो, विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जो है जब ऐसा प्रोसेस होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होगा। इसको अब हम जो है स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड, KCl। ये हमारा केस स्टडी है, इसको हम स्टडी करते हैं कि KCl के अंदर जो एटॉमिक जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे बनेगा। तो अगर मैं KCl में से पोटेशियम को लूँ, K को, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूँ तो K is 19। अब 19 है तो इसकी अगर मैं कन्फिग्रेशन करूँ तो मेरे पास होगा 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गए 10। फिर आएगा मेरे पास 3s2, 3p6, 18, एंड 4s में 1। 2 + 2 = 4 + 6 = 10 + 2 = 12 + 6 = 18 एंड 1 = 19। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1। तो मैं पोटेशियम को K2
एट एट एंड वन की शक्ल में भी लिख सकता हूँ, जैसा आपके बुक में मेंशन है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन थी मेरे पास पोटाशियम की। अब पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसको निकाल देगा और क्या करेगा, पोटाशियम आयन बन जाएगा। तो जब ये पोटाशियम आयन बनेगा तो होगा क्या, ये जो के टू एट एट और वन था ये अब के बन जाएगा टू एट और एट, और इसके ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज आएगा। साथ में ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा। अब ये प्रोसेस हम आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ के आए हैं कि इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो जो डेल्टा एच हम इसको देंगे दैट वुड बी द 419 किलो जाउल पर मोल। ये क्या है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ऑफ पोटेशियम। ठीक है जी, पोटेशियम ने 419 किलो जौल पर मोल लिए और पोटेशियम का जो एक मोल था वो पोटेशियम के एक मोल के आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया एक मोल इलेक्ट्रॉन बाहर करके। ये तो था पोटेशियम का केस। अब हम चलते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन इज 17, तो इसकी कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूं तो वो होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, 17। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। तो क्लोरीन को मैं लिखूंगा 2, 8 एंड 7। अब इसके जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास 7 हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में मौजूद है। तो ये जो Cl287 है ये एक इलेक्ट्रॉन, वो वाला जो कि अभी क्लोरीन ने पीछे छोड़ा था, पोटाशियम ने सॉरी, उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, क्लोरीन -1, और इसकी वो क्या हो जाएगी 2, 8 और 8। अब ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस से मैच करना शुरू हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लिया ये एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, और क्लोरीन के केस में दैट इज 349 किलो जाउल पर मोल, और ये माइनस साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो एनर्जी है वो रिलीज की गई है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम पहले भी स्टडी करके आए हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको उसका इस्तेमाल नज़र आ रहा है। अब क्या होगा कि आपके पास मौजूद है के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये एक दूसरे को एक बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, और ये इतनी ज़्यादा फोर्स होगी कि दे विल बी हेल्ड टुगेदर लाइक दिस। ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे जोनते हैं वो मौजूद होंगे, क्योंकि इनके दरमियान वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं तो ओपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इनको इकट्ठा रखने में मदद देगी और ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहेंगे। अब क्या होता है कि ये KCl ये नहीं है कि एक इकट्ठा है। फॉर एग्जाम्पल ये हम अगर आप पाँचवें चैप्टर बल्कि चैप्टर नंबर 4 में सॉलिड्स का पोर्शन अगर आप रिकॉल करें तो उसमें जब हमने आयोनिक सॉलिड्स पढ़े थे तो उसमें यही था कि जो एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको हर तरफ से जो है वो डिफरेंट जो उनसे हैं नेगेटिव चार्ज आयंस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो एक KCl होता है ये एक के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसके ऊपर नीचे और तमाम डायरेक्शंस के अंदर ये मॉलिक्यूल जो उनसे हैं आयंस जो उनसे हैं ये उनको अट्रैक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, दे फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। ये सारी पुरानी बात है जो हम सॉलिड्स के पोर्शन में पढ़ के आए हैं। तो आयनिक सॉलिड जब एक लंबा क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं तो फिर उस नतीजे में भी क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन में भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम क्या आप कहते थे, लैटिस एनर्जी। ये भी हमने टर्म पीछे यूज की थी अपने सॉलिड्स के पोर्शन में। लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन द क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस है KCl की, ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगी, इट रिलीज 690 किलो जौल पर
मोल। तो ये टर्म भी आपको जो है वो वैल्यूज की जो है वो याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो आयनिक बॉन्ड वजूद में आता है कि एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब करके, दूसरा एटम जो है वो इसमें यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, इस इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब किया क्लोरीन ने, ये पॉजिटिव बन गया और इसने लेके क्लोरीन नेगेटिव बन गया। यहाँ से इसने आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्ट की और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, और इस इलेक्ट्रॉन को जब इसने एक्सेप्ट किया तो इसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की शक्ल में जो है वो अपनी एनर्जी को बाहर निकाल दिया और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से, और आपके पास जो KCl का कंपाउंड है वो वजूद में आ गया। तो दिस इज दी बेसिक्स ऑफ दी आयनिक बॉन्ड। अब अगर आप फर्स्ट ए ग्रुप को स्टडी करें जो कि क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इन सब के अंदर चूंकि ये पहला ग्रुप है तो मतलब इनके अंदर नंबर ऑफ शेल वन है और इनके आउटर मोस्ट शेल में भी पहला एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये सब क्या बनाते हैं, प्लस वन। ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और प्लस वन जो है वो आयन बनाते हैं, सोडियम प्लस वन पोटेशियम प्लस वन। इसी तरह अगर आप सेवेंथ ए की बात करें जिनको हम आम जुबान में हेलोजेंस भी कहते हैं, तो अगर हम हेलोजेंस की बात करें जो के होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सब जो उनसे हैं ये इनके आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेवन का मतलब है कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जगह होती है, इसलिए ये माइनस वन चार्ज बनाते हैं। इसी वजह से आपके पास जो है ये दोनों आपस में बॉन्ड्स बना लेते हैं, जैसे कि आपके पास NaCl है, KCl है, KBr है, NaBr होता है, पोटाशियम आयोडाइड होता है, Ki। तो ये सारे जो होते हैं आपस में बॉन्ड्स बना लेते हैं। इसी तरह अगर हम सेकेंड ए ग्रुप की बात करें जो कि आपके पास जिसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम और बेरियम वगैरह आते हैं, तो इन सब का सेकेंड ए का मतलब है इनके आउटर मोस्ट शेल में टू होते हैं। अगर आप इनकी कन्फिग्रेशन करके भी देखें, मैग्नीशियम 12 कैल्शियम 20, इनके अगर आप कन्फिग्रेशन करें तो इनके बाहर वाले शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके प्लस टू आयन बनाते हैं। और यहाँ से अगर मैं आपके पास सिक्स ग्रुप की बात करूँ तो सिक्स ग्रुप का मतलब है कि ऑक्सीजन और सल्फर वगैरह, इनके पास जो है आउटर मोस्ट शेल में छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और छह इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ये आठ पूरे करने के लिए दो ले सकते हैं, तो जब ये दो एक्सेप्ट करते हैं तो ये माइनस टू आयन बनाते हैं, और इसीलिए जो है इनके कंपाउंड्स उनके हिसाब से बनते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरह से जो है आपके पास इनके बॉन्ड्स बनते हैं। अब ऑक्सीजन एक है, कैल्शियम एक है, इसकी प्लस टू और इसकी माइनस टू। इसी तरह आपकी बुक में कुछ की कन्फिग्रेशन भी दिखाई गई है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, कैल्शियम होता है 20, 20 होगा तो पहले में दो, दूसरे में आठ, तीसरे में आठ और चौथे में फिर से दो, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम प्लस टू 288 और दो इलेक्ट्रॉन बाहर। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन होती है 16, तो दो आठ और 6, ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसने निकाले थे इनको ये एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा ओ टू माइनस, और ये हो जाएगा अब 2 8 और 8 इस तरह से। ऑक्सीजन बेसिकली 6 होता है, यहाँ पे 2 6 16 इज समथिंग एल्स, ये 2 8। ओके, इसने जो दो इलेक्ट्रॉन लिए इसने एक्सेप्ट किए और ये हो गया 2 8। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में कंबाइन होंगे, एक दूसरे को खींचना शुरू करेंगे और कंपाउंड बना देंगे CaO। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड विद द ट्रांसफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर दो से ज्यादा हों, फॉर एग्जांपल मैं थर्ड ग्रुप की बात करता हूँ, थर्ड ग्रुप का एक एलिमेंट लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होते हैं 13, 2 8 एंड 3, ये क्या करेगा,
ये अपने तीन इलेक्ट्रॉन बाहर वाले निकाल देगा और खुद बन जाएगा एल्यूमिनियम 2 और 8, और तीन इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा +3। अब ये बनाएगा बॉन्ड एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के साथ। फॉर एग्जांपल, अब ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो ऑक्सीजन के पास 2 माइनस होते हैं ये। अब अगर इन दोनों की रेशियो को हम स्टडी करें, एल्यूमिनियम क्या है +3 और ऑक्सीजन इज प्लस है -2। अब मुझे इनको जो है वो बैलेंस करना है ताकि इक्वल नंबर ऑफ वो हों, तो इनका जो फार्मूला यूनिट बनेगा आयनिक कंपाउंड का या जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब क्या हुआ, अगर मेरे पास तीन ओ नेगेटिव हों तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा इन तीन का, -6, और अगर मेरे पास दो हों तो ओवरऑल एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +6। तो ये जब आपस में मिलेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा Al2O3। अब इनके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, एंड दिस इज व्हाई आई हैव दिस न्यूट्रल एलुमिना कंपाउंड Al2O3। तो ये था हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसी तरह CaS कैल्शियम +2 सल्फर -2 मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, इसी तरह एल्यूमिनियम +3 सल्फर -2, उसी तरह ये रेशियो इनकी क्या होगी, 3:2, तो ये Al2S3 बन जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक बॉन्ड विच एग्जिस्ट इन आर डेली लाइफ। अब जो आखिरी पॉइंट है इस टॉपिक में आपके पास रह गया, दैट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात हम अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक में भी स्टडी करके आए हुए हैं, और यहाँ पे भी वो इसको मेंशन कर रहा है कि दो कंपाउंड जिनके दरमियान बॉन्ड बनता है वो हमें ये बताते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें ये बताती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो बॉन्ड बना है वो कितना जो है आयनिक बॉन्ड है। तो वो कहता है जी कि अगर आप डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स फाइंड आउट करें, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1.7 तो हम कह देते हैं कि बॉन्ड इज आयनिक। लेकिन उसमें भी हम 100% आयनिक बॉन्ड जो है वो किसी को आयनिक, किसी भी बॉन्ड को हम 100% आयनिक नहीं कह सकते, उसकी जो है वो परसेंटेज जो है हमारे पास निकलती है। लेकिन अगर 1.7 से ज़्यादा हो तो हम उसको परसेंटेज, चूँकि आयनिक करेक्टर उसके अंदर ज़्यादा होता है तो हम उसको आयनिक बॉन्ड डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक इन करेक्टर नहीं होगा। NaCl की अगर हम बात करते हैं तो इनका डिफरेंस जो है, सोडियम होता है 0.9, क्लोरीन इज 3.2, तो इनका जब हम डिफरेंस लेते हैं 3.2 माइनस 0.9 तो ये हमारे पास आता है 2.3। ये ग्रेटर देन 1.7, ये बॉन्ड क्या है 1.7, ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है NaCl का। लेकिन इसके अंदर अगर आयनिक करेक्टर को हम देखें तो दैट इज 72% ओनली। तो कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता, लेकिन उसकी परसेंटेज अगर बहुत ज़्यादा हो, जैसे 72% है, तो वही से कि दिस इज आयनिक, 72% आयनिक इन करेक्टर, लेकिन ओवरऑल हम उसको आयनिक बॉन्ड कंसीडर कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो कैलकुलेट की गई है वो सीजियम फ्लोराइड की है, जिसकी आयनिक करेक्टर निकलता है 92%। दिस इज द मैक्सिमम आयनिक करेक्टर एनी बॉन्ड कैन हैव। उसके अलावा जो है कोई भी आप बॉन्ड 100% नहीं कर सकते, 98% है तो बाकी परसेंट कोवलेंट करेक्टर होता है। तो ये डिटेल जो है ये भी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से आयनिक बॉन्ड के बारे में पता लगती है। तो दिस वाज द लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड, जिसके अंदर हमने देखा कि एक लो आयनाइजेशन एनर्जी वाला एटम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पॉजिटिव आयन बनता है, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एटम नेगेटिव आयन बनता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और strongly they are held together to form the ionic compounds. फिर हमने different groups की examples के मदद से हमने इसको detail में जो है वो भी देखा। तो ये हमारा आज का topic था about ionic compounds. Next time हम covalent compounds और coordinate covalent compounds के बारे में study करेंगे under the light of the Lewis concept. तो this was the topic.